hello students in today's lecture we will continue our discussion about the effects of electric current i have already told you about <coughs> the two effects which were heating effect and magnetic effect of electric current in today's lecture we will discuss the chemical effect of electric current all right इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट हम देखेंगे आज के लेक्चर में है ना इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है कोई सोल्यूशन से पास होता है तब तो वो किस तरह से बिहेव करता है अगर वो अपने केमिकल चेंजेस लेकर आ पाया अपने अंदर वो सोल्यूशन यदि कोई भी किसी भी टाइप का केमिकल चेंज लेकर आ पाया इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद तो अपन क्या बोलेंगे कि ये किस वजह से हुआ है केमिकल चेंज इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ओके तो वही इफेक्ट अपन आज देखेंगे है ना उसमें देखते हैं अपन वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू यानी कि जब करंट पास होगा केवल और केवल तभी ठीक है किसके थ्रू पास करना है वाटर कंटेनिंग एसिड okay, okay. इलेक्ट्रिक होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होना चाहिए ताकि वो इजिली ब्रेक डाउन हो सके है ना थ्रू वॉटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड वॉट है इट ब्रेक्स यहां पर वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट अपने कंपोनेंट्स में ये ब्रेक हो जाता है ब्रेक होने का मतलब टूट जाता है ये वाटर किन दो चीजों से मिलके बना होता है हम जाते हैं वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है ओके okay? तो यहां पर ये हम देख पा रहे हैं एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन ओके तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए वॉटर के वो देख लेते हैं इट ब्रेक्स इन टू इट कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये अपने दो कंपोनेंट्स जो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उनके अंदर ब्रेक हो जाता है ओके okay? <coughs> जब तक आपने इसके अंदर करंट पास नहीं करा कर था तब तक वो अपने इनिशियल स्टेट में ही इंटैक्ट था ठीक है पर जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तब जाकर ये अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ जो कि कौन कौन से थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट तो हम देख पा रहे हैं दिस हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना ये किस वजह से हुआ क्योंकि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तब जाके ये चेंज हो पाया बच्चों अगर ये करंट पास नहीं होता तब तक उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज हमें देखने को नहीं मिला था ओके तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चेंज हुआ है केमिकल चेंज ओके वाटर का ब्रेक होना ये किस वजह से हुआ है जब उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करी इलेक्ट्रिक करंट पास हुई है इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये केमिकल चेंज आया है ओके सो दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी को हम किस नाम से जानते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ओके okay? कहाँ पे यूज किया जाता है इसका उसके बारे में डिस्कस करते हैं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो हीटिंग इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का वो किस आ, कौन सी डिवाइस में यूज किया जाता था हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर राइट सेफ्टी डिवाइस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर और हम जानते हैं जो उसका हीटिंग इफेक्ट है वो अपन इलेक्ट्रिक आयरन मैंने आपको बताया था एजेंटेड रूम हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो मैंने आपको बताया था तो इन सब में हमने क्या देखा था ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं ठीक है फिर ऐसे ही आपको जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताए थे तब मैंने आपको इलेक्ट्रो बताया था और इलेक्ट्रिक बेल का भी वर्किंग समझाई थी है ना तो उन दोनों के अंदर अपन ने देखा था किस चीज का यूज हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में का ओके okay? तो अब अपन देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम कैसे यूज करते हैं कहां पे इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जहां पे यूज किया जाता है बच्चों उनमें से एक जो टेक्निक है विच इज नोन एज इलेक्ट्रो प्लेटिंग ओके इलेक्ट्रो प्लेटिंग जैसे कि नाम से हमें पता पड़ रहा होगा इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज मतलब ये कुछ ऐसा होगा जिसकी जिसका वजह क्या रहा होगा चार्ज ओके okay? ये जो इफेक्ट है वो कहां पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग में प्लेटिंग मतलब कोट करना है ना एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट करना उसको क्या बोला जाता है प्लेटिंग ओके okay. इलेक्ट्रो मतलब ये चार्ज की वजह से हो ओके okay. इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रो प्लेटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो थिन लेयर होती है एक मेटल की कोई से भी प्योर मेटल की आपको एक थिन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होती हुई मिलेगी टेक्निक इन विच अ थिन लेयर ऑफ मेटल इज कोटेड ऑन अनादर मेटल ओके दोनों ही क्योंकि कंडक्टर होने चाहिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना सो so, ऐसी टेक्निक जिसमें एक थिन लेयर ऑफ मेटल एक कोई दूसरे मेटल की थिन लेयर इज कोटेड ऑन अनादर मेटल किसी दूसरे मेटल के ऊपर आप उसे कोट करें जैसे कि अगर आपने नोटिस कराओ कई घरों में सिल्वर वेयर होते हैं जो डिशेज वगैरह होती हैं जो स्पून होते हैं उनके ऊपर एक चमक सी होती है कुछ सिल्वर की कोटिंग की जाती है उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग का ही यूज करते हैं ओके बात की जाए अगर हम इस तरीके से एक रेजर ब्लेड को भी कोट कर सकते हैं कॉपर के मेटल से हम चाहे तो उसकी जगह सिल्वर ले लें तो सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर ओके एक प्योर मेटल की कोट चढ़ती है दूसरे मेटल के ऊपर ऑल राइट जिस सब्सटेंस को आपको कोट करना है ओके इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं मेटल विच हैजू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब है ये जो अनाजर मेटल जिसके ऊपर ये कोट चढ़ेगा है ना दूसरे मेटल का जिसके ऊपर आपको कोटिंग करनी है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है इट इज मेड कैथोड जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको तो आप कैथोड बना देते हैं एंड द मेटल इसके ऊपर जो सब्सटेंस आपको डिपॉजिट करना है, है ना जिस मेटल को आपने कैथोड बनाया है उसके ऊपर आपको एक थिन लेयर चढ़ानी है दूसरे मेटल की उस मेटल को आप कहां पे डिपॉजिट करेंगे इस सब्सटेंस के ऊपर जो मेटल आपको डिपॉजिट करवाना है ना जिसकी थिन लेयर करनी है इट इज मेड एनोड इसको हम क्या बना देते हैं एनोड बना देते हैं ओके? फिर है कोटिंग को मतलब तो करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने इसको एयर के अंदर रख दिया है ना कि आपने एक सेल से तो कनेक्ट कर दिया कैथोड बना दिया और एनोड बना दिया उसको आपने ऐसे ही एयर के अंदर ओपन छोड़ दिया तब वो कोटिंग नहीं होगी उसके ऊपर ओके इसको आपको एक सोल्यूबल सॉल्ट में एक इलेक्ट्रोलाइट में डालना पड़ता है ओके okay? यहां लिख लेते हैं उसको एक सोल्युबल सॉल्ट लिया जाता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट आपको सर्किट के अंदर मिलता है एयर एक पुअर कंडक्टर है है ना तो वो एयर जो है वो उसकी वजह से कोटिंग नहीं चढ़ेगी उस उसपे ओके बट अगर आपने इसको एक सोल्यूबल सॉल्ट के अंदर ड्रिप कर दिया डुबा दिया है ना तो क्या होगा एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होगी है ना सोल्यूबल सॉल्ट कैसा होना चाहिए सेम मटेरियल के बाद मटेरियल है ना जिसकी डिपॉजिटिंग आपको करनी है ठीक है देन इन

जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तब क्या होगा <coughs> इसके बारे में एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं है ना एक सपोज आपको रेजर ब्लेड की कोटिंग करनी है यह हमारी सपोज रेजर ब्लेड है ओके इस तरह से एक रेजर ब्लेड है हमारी उसकी आपको कोटिंग करनी है किसकी कॉपर की इसमें क्या करना है आपको रेजर ब्लेड की कोटिंग करनी है मतलब इसको आपको कोट करना है इसके ऊपर एक थिन लेयर डिपॉजिट करनी है इस कॉपर की तो सबसे पहले क्या करना था आपको जो ब्लेड है उसको कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे अपन द सब्सटेंस व्हिच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड ओके इसको अपन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे ओके okay? ये सेल है सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको एक सोल्यूशन में हमें डिप करना था जो कि कैसा होना चाहिए सोल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए सेम मटेरियल का कौन से मटेरियल का जिसकी आपको कोटिंग करनी थी है ना जिसकी थिन लेयर डिपॉजिट करनी है यानी कि कॉपर तो अपन कॉपर सल्फेट ले सकते हैं इसके अंदर जब इसके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया ओके okay? और यहां पर एक स्विच की मदद से सपोज ये सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया ओके टाइम बाद क्या होगा यहां से करंट फ्लो करेगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये भी अब एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा तो इसमें क्या होगा धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कॉपर की एक थिन लेयर जाके इस ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और उसके ऊपर कॉपर की हल्की सी एक पतली सी कोटिंग हमें देखने को मिलती है ओके इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो रहा होगा डेफिनेटली ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हेंस इट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम थिन लेयर हमें देखेगी कॉपर की कॉपर अपन ने क्या बनाया था यहां पर जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कैथोड बनाया था और जिसको डिपॉजिट करवाना है उसे एनोड बनाया था वी अ थिन लेयर ऑफ एनोड यानी कि कॉपर इस एग्जांपल में अपने डिपॉजिटेड ओवर deposited on the cathode जो कि अपने इस एग्जाम्पल में क्या है ब्लेड है रेजर ब्लेड जो अपन ने ली थी ठीक है तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं बच्चों ठीक है इसी के साथ ये इफेक्ट कंप्लीट होता है मेरी तरफ से और जितने भी आपके केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के वो अपन स्टडी कर चुके हैं ठीक है थीके? In the next class, we will study about the safety measures and dangers about electricity. Thank you.